स्नाइपर मूवीज में आपने देखा होगा कि अगर टारगेट 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो काफी सारे जुगाड़ बिठाने पड़ते हैं टारगेट पे एक्यूरेट बुलेट को हिट करने के लिए, और अगर टारगेट की दूरी 2 किलोमीटर से ऊपर हो जाती है तो बंदूक की गोली टारगेट पर लग ही नहीं पाती। पर आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट 100 किलोमीटर तक की दूरी का टारगेट एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अचीव कर लेते हैं। तो भैया ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? अरे शिक्षा भैया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बड़े बड़े हवाई जहाजों से धमाका ही इतना बड़ा होता है कि आदमी तो छोड़ो पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। शाबाश धनिया, साबित कर देते हो कि तुम धनिया ही हो। अब शिक्षा भैया आए हैं तो कुछ काम का ही बता के जाएंगे, इसीलिए लाइक का बटन पहले ही दबा दो। मॉडर्न एयरक्राफ्ट से सबसे पहले जब वेपन फायर होता है तो वो काफी तेज गति से निकलता है और एयरक्राफ्ट से आगे निकल जाता है, इसे कहते हैं बूस्ट फेज। और इसके बाद इन वेपन्स के अंदर खुद का भी फ्यूल होता है और इन वेपन्स के अंदर मिशन कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें की पहले से ही प्री प्रोग्राम किया जाता है, और इसीलिए लॉन्च के तुरंत बाद ये एग्जैक्ट टारगेट को पिन पॉइंट हिट करते हैं।